एक तरह से ना के बराबर ही स्पेस आपको यहाँ पे मिलता है। एंड ये आपका प्लास्टिक है, ये भी आपका प्लास्टिक आपको देखने को मिलता है। यहाँ पे आपको हार्ड प्लास्टिक मिलता है और ये लगता है ना इसकी कोई जरूरत थी यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे ऊपर की तरफ हार्ड प्लास्टिक है, यहाँ पे आपका हार्ड प्लास्टिक है। मुझे लेग रूम बिल्कुल ना के बराबर ही मिल रहा है। Rolling up, Uber black Cadillac, high heel boots and a sexy body full of tats. Baby's bad, oh baby's hella bad. After her there ain't no coming back, wanna take a run at that. I think she's feeling me, turn it up a few degrees. My imagination of her body gets the best of me. Oh gosh, she's such a tease, bitten lips, bruised knees. I'm addicted to her, need her touching me. Cause she got a bad little waist and we tearing down this place. Off the liquor that we chase, got some egos to the face. Baby, I don't need no space, coming closer for a taste. And I'll show you how I make it. So, दोस्तों फाइनली इतने लंबे टाइम पीरियड के बाद आपके लिए मैं लेके आ चुका हूँ स्कॉर्पियो एंड जिसे कह सकते हैं एक तरह स्कॉर्पियन का लेटेस्ट रिव्यू, वो भी प्रॉपर वर्क अराउंड के साथ। क्या कुछ डिटेल रहने वाली इस गाड़ी के अंदर, क्या प्राइसिंग, क्या क्या अपडेट्स हैं, क्या कुछ नया हमें इस गाड़ी में देखने को मिलने वाला है, सारी चीज़ें हम इस वीडियो के अंदर कवर करने वाले हैं। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा क्योंकि काफ़ी मेहनत करके इस गाड़ी को ढूंढा है और आपके लिए मैं लेके आया हूँ। तो बिना किसी देरी के करते हैं वीडियो को स्टार्ट और चलते हैं गाड़ी की तरफ। तो दोस्तों हमारे सामने आ चुकी है ऑल न्यू महिंद्रा स्कॉर्पियो एंड जिसे एक तरीके से मैं कह सकता हूँ स्कॉर्पियन, जिसे मुझे काफ़ी अच्छा नाम लगता है इस गाड़ी का। और भाई गाड़ी का साइज़ देखो एक बार, भाई लग ही नहीं रहा कि एक गाड़ी है, ये स्कॉर्पियो है। एक मॉन्स्टर ही अलग से ला के खड़ा कर दिया कि भाई क्या ही चीज़ होने वाली है ये। एक बार देखो जरा यहाँ पर, फॉर्चुनर से लंबी गाड़ी है भाई साहब, ये फॉर्चुनर से लंबी जिसे कह सकते हैं। इसके अगर डायमेंशंस की बात करो तो 4662 लेंथ इस गाड़ी की होने वाली है। विड्थ की बात करो तो 1917 mm की विड्थ मिलती है और हाइट आपको मिलती है इसके अंदर 1857 की। और भाई साहब लग नहीं रहा कि ये गाड़ी इतनी लंबी हो सकती थी। दोस्तों ये जो वेरिएंट आपके सामने खड़ा है Z8 लग्जरी के अंदर, डीजल में मैनुअल ऑप्शन आपको उसके अंदर मिलता है, ऑटोमेटिक गाड़ी नहीं है ये अभी मेरे सामने। ऑटोमेटिक जैसे ही आएगी आपको मैं इस वीडियो में दिखा दूंगा। बाकी बात करूँ इसके इंजन के बारे में तो इंजन जो है आपको इसमें डीजल के अंदर 2.2 लीटर का 4 सिलेंडर एमहॉक इंजन यहाँ पे देखने को मिल जाता है। इसी के अंदर आपको पेट्रोल इंजन भी मिल जाता है जो कि होता है 2 लीटर का 4 सिलेंडर पेट्रोल इंजन आपको मिलता है, जो कि प्रोड्यूस करते हैं आपके 172 bhp की पावर विद 370 nm ऑफ टॉर्क। एंड बात करें इसमें ट्रांसमिशन के बारे में तो आपको 6 स्पीड ट्रांसमिशन आपको देखने मिल जाते हैं जो कि मैनुअल और ऑटोमेटिक दोनों में सेम रहते हैं। साथ ही इसके अंदर आपको 4x4 का ऑप्शन आपको मिल जाएगा। 21 तारीख को इसके ऑटोमेटिक के प्राइस लिस्ट भी सामने आ जाएगी। अभी इसके जो मैनुअल के प्राइस लिस्ट है सब सामने आ चुके हैं, आपको दोबारा से मैं इस वीडियो में शेयर कर दूंगा, आप चेकआउट कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। इसमें आपको टोटल 5 वेरिएंट मिलते हैं Z2, Z4, Z6, Z8 एंड Z8 लग्जरी। ये जो आपके सामने मॉडल है Z8 लग्जरी आपके सामने मैं लेके आया हूँ डीजल के अंदर मैनुअल ऑप्शन। तो स्टार्ट करते हैं इसके डिजाइन के बारे में। अगेन आपको बता देता हूँ कि ये गाड़ी क्लेम कर रही है महिंद्रा यहाँ पे फॉर्च्यूनर से लंबी गाड़ी होने वाली है, जिसके 4662 mm इसकी लेंथ रहती है। विड्थ की बात करें तो 1970 mm की विड्थ मिल जाती है और हाइट इसकी रहती है 1857, जो कि आप सामने से देख के अंदाजा भी नहीं लगा पाएंगे कि ये गाड़ी वाकई में इतनी लंबी चौड़ी होने वाली है। मुझे तो लगता नहीं है कि इसका नाम ऐसी स्कॉर्पियो, अगर इसका नाम मॉन्स्टर भी रखते तो भी इस गाड़ी को काफी ज्यादा सूट करता। बाकी इस गाड़ी की ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें तो 187 का आपको यहाँ पे mm का ग्राउंड क्लियरेंस यहाँ पे देखने को मिल जाता है। सो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले इसके डिजाइन के बारे में। तो फ्रंट में आपको यहाँ पे जो है ट्यूनिंग आपको हेडलैम्प्स मिल जाती है, जो कि आपका एक LED प्लस प्रोजेक्टर मिलने वाला है। यहाँ पे अप्स एंड डाउन जो आपको यहाँ पे जो है यहाँ पे इंडिकेटर मिल जाता है। डीआरएल्स यहाँ पे आपको देखने को मिल जाती है विद फॉग लैंप आपको यहाँ पे मिलती है। यहाँ पे आपको महिंद्रा का ट्विन पीक लोगो आपको देखने को मिल जाता है। साथ ही साथ इसके अंदर आपको नीचे यहाँ पे सिल्वर कलर की स्कर्ट यहाँ पे दी गई है, जिसको देख सकते हैं आप। प्लस 2 पार्किंग सेंसर आपको फ्रंट में यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं, एक इस तरफ मिलता है आपको और एक आपको यहाँ पे इस तरफ मिल जाता है। साथ ही इसके अंदर यहाँ पे जो आपको फ्रंट में इस तरफ यहाँ पे आपको फ्रंट कैमरा भी यहाँ पे मिल जाता है। बात करें बोनट के बारे में तो बोनट भी काफ़ी अच्छा आपको लंबा चौड़ा यहाँ पे बोनट देखने को मिल जाता है। साइड प्रोफाइल की अगर बात करें तो साइड प्रोफाइल सबसे पहले आपको बात करते हैं टायर के बारे में। तो टायर जो है यहाँ आपको बता देता हूँ कितना आपको मिलता है। यहाँ पे आपको टायर मिलने वाला है 245/65 R17। तो 17 इंच का आपको यहाँ पे टायर मिलता है विद अलॉय आपको मिल जाता है यहाँ पर। एंड बात करें यहाँ पे ऑटोमेटिक ORVM भी आपको यहाँ पे मारुति महिंद्रा से आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। टच आपको जो है रिक्वेस्ट पार्किंग सेंसर यहाँ पे देखने को मिल जाती है। यहाँ पे फुटस्टेप कंपनी ने यहाँ पे एडिशनल आपको ऐड किया है क्योंकि गाड़ी काफ़ी ज़्यादा ऊंची है, बैठने के लिए काफ़ी सपोर्ट यहाँ पे मिल जाता है। एड्रेनोक्स की बैजिंग मिल जाती है। फ्यूल टैंक आपको यहाँ पे मिल जाता है, जो कि आप देख सकते हैं डीजल की कैपिंग यहाँ पे मिल जाती है आपको। पीछे की तरफ बात करें
तो पीछे आपको कुछ इस तरह से टेल का डिजाइन यहाँ पे देखने को मिल जाता है। पीछे की तरफ आपको यहाँ पे जो है फोर पार्किंग सेंसर आपको मिल जाते हैं, 1, 2, 3, 4 चार पार्किंग सेंसर आपको पीछे की तरफ देखने को मिलते हैं। साइड में नीचे की तरफ आपको कुछ क्रोम एलिमेंट यहाँ पे देखने को मिल जाता है। बैकलाइट के अंदर इंडिकेटर यहाँ पे देखने को मिल जाती है और पीछे की तरफ भी आपको जो है यहाँ पर रिक्वेस्ट सेंसर यहाँ पे देखने को मिल जाता है इस तरफ। साथ ही इसमें भी जो आपको यहाँ पर रियर में आपको जो है यहाँ पे इस तरफ देख पा रहे होंगे, ये रहा, यहाँ पर आपको जो है यहाँ पर रियर कैमरा आपको देखने को मिल जाता है। साथ ही में इसके अंदर आपको डिफॉगर देखने को मिल जाती है, प्लस आपको रियर वाइपर आपको यहाँ पे देखने मिल जाता है। स्कॉर्पियो एन की बैचिंग यहाँ पे मिल जाती है आपको। सेम पीछे भी आपको जो है महिंद्रा का ट्विन पीक लोगो यहाँ पे मिल जाता है। डोर पैनल अगर ओपन करें तो कुछ इस तरह से यहाँ पे पीछे का आपको डोर मिलता है। आप देख सकते हैं स्पेस की बात करें तो काफ़ी बिल्कुल एक तरह से ना के बराबर ही स्पेस आपको यहाँ पे मिलता है, जिसे हम कंसिडर नहीं कर सकते। बाकी यहाँ पर आपको कुछ थोड़ा कर्व के अंदर यहाँ पे जो है ये पीछे का गेट दिया गया है, ताकि जो भी आप सामान रखें वो इजीली यहाँ पे स्टोर हो जाए। बाकी पीछे भी आपको यहाँ पे डोर ओपन करने के लिए यहाँ पे कुछ अनलॉक का आप यहाँ पे बटन मिल जाता है। सीट आपकी ऑटो फोल्डेबल रहती है, जो यहाँ से फोल्ड कर सकते हैं यहाँ पे आप, और इसे फोल्ड करके जो है आप अपनी और ज़्यादा स्पेस यहाँ पे बना सकते हैं। इसको कर देते हैं मंदर हम यहाँ से। अब चलते हैं इसके आगे की तरफ। अब हम आ चुके हैं यहाँ पे फ्रंट सेक्शन के अंदर। फ्रंट सेक्शन में जैसे हम डोर ओपन करते हैं कुछ इस तरह का हमें डोर पैनल यहाँ पे देखने को मिल जाता है। ड्यूल टोन में आपको यहाँ पे सॉफ्ट टच मिलता है, यहाँ पे कलर जो मिलता है यहाँ पे, एंड ये आपका प्लास्टिक रहता है, ये भी आपका प्लास्टिक आपको देखने को मिलता है। ऑल पावर विंडो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती है। ऑटोमेटिक ओवरव्यू में कंट्रोल करने के यहाँ पे सिस्टम दिख जाते हैं। डोर अनलॉक का ऑप्शन आपको यहाँ पे मिल जाता है और हैंडल ग्रिप करने के लिए भी आपको काफ़ी अच्छी ग्रिप मिल जाती है। बॉटल रखने के लिए आपको यहाँ पे स्पेस मिल जाता है। एडिशनल मैगजीन रखने के लिए आपको स्पेस मिल जाता है। बाकी बात करें यहाँ पे सीट्स की, तो यहाँ पे ड्यूल टोन में आपको कॉफी रिच कलर में आपको यहाँ पे सीट्स मिल जाती है, जो आपको बताया गया काफ़ी ज़्यादा हाईलाइट है। और ये आपकी नॉर्मल सीट ना रहकर इलेक्ट्रॉनिक एडजस्टेबल सीट रहती है, जिससे आप यहाँ से ऑपरेट कर सकते हैं आगे पीछे करने के लिए। जैसे आप देख सकते हैं ये अभी आगे जा रही है और यहाँ से पीछे जा रही है, ये देखिए। इसी के साथ आप उसको जो है यहाँ पर इसके पीछे भी कर सकते हैं यहाँ से आप, और आगे भी कर सकते हैं। तो अंदर चलते हैं और देखते हैं क्या क्या चीज़ें हमें और एडिशनल मिलती हैं यहाँ पे। सो भाई अभी मैं आ चुका हूँ गाड़ी के अंदर। तो गाड़ी के अंदर कुछ इस तरह से यहाँ पे आपको इंटीरियर यहाँ पे देखने को मिल जाता है। काफ़ी प्रीमियम आपको अपने इंटीरियर देखने को मिलता है। ड्यूल टोन के अंदर आपको मिल जाता है 12 स्पीकर सोनी का आपको देखने को मिल जाता है। एक सेंटर स्पीकर आपको यहाँ पे देखने को मिलता है सोनी का, प्लस यहाँ पे आपको हार्ड प्लास्टिक मिलता है और यहाँ पे आपको सॉफ्ट टच देखने को मिल जाता है। स्कॉर्पियो एन की बैजिंग मिल जाती है। इस तरफ आपको यहाँ पे एसी का आपको वेंट मिल जाते हैं, कुछ इस तरफ से यहाँ पे आपको एसी के मिलते हैं वेंट, और इस तरफ भी आपको ड्राइवर साइड में एसी के वेंट मिल जाते हैं। यहाँ पे आपको यहाँ पे ग्रिप मिलती है भाई साहब, लेकिन मुझे लगता नहीं इसकी कोई जरूरत थी यहाँ पे, लेकिन फिर भी महिंद्रा ने यहाँ पे ऑफ रोडिंग के लिए सपोर्ट किया, यहाँ पे एक यहाँ पे हैंड ग्रिप का ऑप्शन दे दिया। प्लस बात करें इसके यहाँ पर एंटीनॉक सिस्टम के बारे में, तो यहाँ पे 8 इंच की जो है आपको टच स्क्रीन यहाँ पे देखने को मिल जाती है, जो कि क्रोम फिनिश के अंदर आपको देखने को मिलती है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। प्लस यहीं पे आपको सारे कंट्रोल्स आपको देखने को मिल जाते हैं, प्लस ऑटोमेटिक आपको यहाँ पे क्लाइमेट कंट्रोल देखने को मिलते हैं। बाकी बात करें इसके ड्राइवर मोड्स के बारे में, तो इसी के अंदर आपको जो है जिप जैप जूप के सारे मोड्स मिल जाते हैं। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको जिप जैप जूप मोड के सारे ऑप्शन आपको मिल जाते हैं। हिल एंड डिसेंट कंट्रोल देखने को मिलता है, इंजन ऑन ऑफ ऑप्शन मिल जाता है, हैजर्ड लाइट का आपको ऑप्शन मिल जाता है, ट्रैक्शन कंट्रोल मिल जाता है आपको, 360 व्यू का भी आपको यहाँ पे ऑप्शन मिल जाता है। यहाँ पे नीचे की तरफ हम देखेंगे तो यहाँ पे आपको जो USB पोर्ट कनेक्शन मिल जाते हैं, यहाँ पे आपको यहाँ पे USB चार्जिंग का ऑप्शन मिल जाता है, वायरलेस चार्जिंग का ऑप्शन मिल जाता है। गियर नूब आप देख सकते हैं काफ़ी प्रीमियम आपको देखने को मिल जाता है। ड्यूल टोन के अंदर आपको मिलता है 6 स्पीड आपको मैनुअल के अंदर आपको ये गाड़ी मिलती है। यहाँ पे आपको हैंड ब्रेक मिल जाता है देखने के लिए, और ये आपका जाता है आर्मरेस्ट की अगर हम बात करें तो इसमें भी नीचे से आपको डिसेंट स्पेस आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। एंड आते हैं अब इसके हम स्टेयरिंग पार्ट पे, तो स्टेयरिंग जो है आपको यहाँ पे डी कट आपको स्टेयरिंग देखने को मिलता है। बाकी इस तरफ में आपको सेंटर में आपको महिंद्रा का पीक लोगो आपको देखने को मिल जाता है। यहाँ पे आपके सारे म्यूजिक कंट्रोल सिस्टम और कॉस्ट के कंट्रोल सिस्टम को देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पे आपके क्रूज कंट्रोल सिस्टम देखने को मिलते हैं, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर। प्लस यहाँ पे आपको ऑटोमेटिक यहाँ पे ऑटोमेटिक हेड लैंप्स को ऑपरेट करने के ऑप्शन मिल जाते हैं यहाँ पे। प्लस यहाँ पे जो है आपको वाइपर्स के सारे ऑप्शन मिल जाते हैं। सामने अगर हम बात करें तो अभी मेरे पास की नहीं है तो आपको दिखा नहीं पा रहा हूँ। इसमें आपको यहाँ पे टैकोमीटर, आपका स्पीडोमीटर, और बीच में आपको MID मिल जाए, जिसके अंदर सारी चीज़ आप ऑपरेट कर सकते हैं। आपको कितने गाड़ी ड्रिवन हो चुकी है, क्या टाइम हो चुका है, कितना फ्यूल गेज है, क्या आपको एवरेज मिले, सारी चीज़ें आपको यहाँ पे शो हो जाती है। प्लस आपको यहीं पर भी जो है आपको यहाँ पर और यहाँ पर आपको सारे के सारे जो मोड्स इस गाड़ी के जिप जैप जूम के अंदर जो कि डीजल के अंदर देखने को मिलते हैं आपको यहाँ पे शो हो जाते हैं। यहाँ पे वैनिटी मिरर आपको देखने को मिल जाता है कुछ इस तरफ से। प्लस यहाँ पर ड्राइवर सीट पे आपको यहाँ पे टिकट होल्डर देखने को मिलता है। सनरूफ का काफ़ी अच्छा है, आपको काफ़ी अच्छा साइज आपको यहाँ पे देखने को मिलता है सनरूफ का। बाकी की नहीं इतने लोगों को उसको ओपन करके दिखाता है। यहाँ पे सनरूफ जो है आपकी काफ़ी ज़्यादा ब्रॉड है,
इजिली कोई भी बंदा बाहर निकल सकता है और इंजॉय कर सकता है सनरूफ को। मतलब ऐसा नहीं है कि कोई छोटी मोटी सनरूफ दे दियो, काफ़ी बड़ी सनरूफ आपको यहाँ पे देखने को मिली है। ग्लव बॉक्स आपका यहाँ पे रहेगा, ग्लव बॉक्स जो आपको लाइट मिल जाती है अंदर की तरफ, और ये आपको कोल्ड ग्लव बॉक्स आपको देखने को मिलता है इसके अंदर। बाकी सेम सारी चीज़ें वही हैं आपको, आप क्रोम फिनिश के अंदर आपको डोर अनलॉक का ऑप्शन मिल जाता है, हैंडल ग्रिप मिल जाती है, एंड वाटर बॉटल होल्ड करने के लिए आपको ऑप्शन मिल जाते हैं। यहाँ पे अगर देखेंगे तो हम यहाँ पे आपको जो पार्किंग सेंसर मिल जाते हैं, हेडलाइट बीम को ऑपरेट करने के ऑप्शन मिल जाते हैं, 12 स्पीकर के आपको ने बताया सोनी के 12 स्पीकर आपको उसके अंदर देखने को मिलते हैं, जो कि आप कुछ इस जगह प्लेस है, एक यहाँ पर एक इस तरह यहाँ पर प्लेस किया गया है, काफ़ी अच्छी प्लेसमेंट मिल जाती है सेंटर में यहाँ प्लेस किया, तो काफ़ी अच्छा सपोर्ट यहाँ पर मिलता है। बात करें सोनी के स्पीकर के बारे में तो आपको 3D सराउंडिंग साउंड का यहाँ पर सपोर्ट मिल जाता है, और पे ऑटोमेटिक आपको IRVM भी यहाँ देखने को मिल जाता है। तो ये कुछ इंटीरियर था फ्रंट साइड से, अब चलते हैं रियर सेक्शन में और जानते हैं कि रियर सेक्शन कैसा होने वाला है इसका। सो भाई कुछ इस तरह से आपका यहाँ पे रियर सेक्शन है, रियर सेक्शन देख सकते हैं, यहाँ पे सेम चीज़ आपको मिल जाती है, डुअल टोन के अंदर आपको यहाँ पे इंटीरियर मिल जाता है, यहाँ पे ऊपर की तरफ हार्ड प्लास्टिक है, यहाँ पे आपका हार्ड प्लास्टिक है, यहाँ पे आपको सॉफ्ट टच आपको देखने को मिलता है, प्लस सिंगल डोर जो आपको यहाँ पे डोर अनलॉक का सिल्वर क्रोमिंग आपको देखने को मिल जाती है, हैंड ग्रिप देखने को मिलती है डोर ओपन करने के लिए, सेम आपको चीज़ें मिलती हैं यहाँ पे डुअल टोन में, आपको रिच कॉफी ब्लैक के अंदर सीट्स मिल जाती है जो कि काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम है, लेदर सीट्स मिलती हैं आपको यहाँ पर, और रियर में आपको AC इवेंट्स भी यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं, प्लस चार्जिंग के लिए आपको टाइप सी सपोर्ट सॉकेट मिलता है और आपको AC कंट्रोल यहाँ पे देखने को मिल जाता है। तो ये काफ़ी अच्छी बात है कि लेटेस्ट सारी चीज़ें यहाँ पे यूज़ की गई है। एंड पीछे की तरफ भी आप देख सकते हैं, और हमारे यहाँ पे जो एडजस्टेबल हेडरेस्ट आपको देखने को मिलता है, बीच वाले में नहीं मिलता है, वैसे अगर बीच वाले मिलता तो और ज़्यादा अच्छा होता। एंड यहीं पर भी आपको जो है यहाँ पे 2 कप होल्डर भी यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। एंड बात करें बैठ के एक बार, तो अच्छा खासा स्पेस और हेडरूम मुझे मिल रहा है, लेग रूम आप देख सकते हैं यहाँ पे, मेरी हाइट 5'9" है तो उसके अकॉर्डिंग मुझे काफ़ी अच्छा लेग रूम मिल जाता है, और हेडरूम भी काफ़ी अच्छा मुझे यहाँ पे मिल रहा है। बाकी सेंटर में आपको यहाँ पे लाइट देखने को मिल जाती है, कुछ इस तरह से यहाँ पे LED लाइट्स आपको देखने को मिलती है। बात करें अब इसके थर्ड पिलर सेक्शन में जाने की, तो थर्ड पिलर में वहाँ से जाएँ तो ज़्यादा बेटर रहता है, आपको जाके दिखाता हूँ थर्ड। तो कुछ इस तरह से सीट आपकी टंबल हो जाती है, और थर्ड रो में जाके देखते हैं कि कैसा हमें स्पेस यहाँ पे मिलता है देख बैठ के। तो थर्ड रो ठीक ठाक सी लग रही है फिलहाल मुझे, थर्ड रो ठीक है कह सकते हैं, बैठ सकते हैं, लेकिन मुझे लेग रूम बिल्कुल ना के बराबर ही मिल रहा है, और हेड रूम भी ऑलमोस्ट ठीक ठाक ही मुझे यहाँ पे देखने को मिल रहा है। बाकी अगर बच्चे बैठते हैं तो उनके लिए काफ़ी सफिशियंट रहती है स्पेस। बाकी चलते हैं बाहर क्योंकि ज़्यादा देर बैठना थोड़ा मुश्किल है यहाँ पर। सो दोस्तों ये प्रॉपर वॉक अराउंड था महिंद्रा स्कॉर्पियो NZ8L लग्जरी डीजल के अंदर मैनुअल ऑप्शन का, जिसके अंदर सारी चीज़ें आपको मैंने बता दी हैं कि क्या क्या चीज़ आपको उसके अंदर मिल जाती है देखने के लिए। बाकी यहाँ पे इंडिकेटर्स भी ऑन हो चुके हैं, तो आप देख सकते हैं कितने बढ़िया लग रहे हैं यहाँ पर। बाकी दोस्तों इस महिंद्रा स्कॉर्पियो N के जितने भी मॉडल्स हैं Z2 से लेकर Z8 लग्जरी तक, सारे मॉडल्स की एक सेपरेट वीडियो बहुत जल्द मैं आपके लिए लेके आने वाला हूँ, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करिएगा। तो इस वीडियो में इतना ही था, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में न्यू प्लेस पे न्यू कंटेंट के साथ, टिल देन गुड बाय।